हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाला वीडियो, आज हम लोग क्लास 11 का वीडियो। कल वाला वीडियो में हम लोग सर ये चर्चा किए थे कि हमारा जो सेट है, तो सेट क्या होता है, सेट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि सेट क्या होता है सर, और उसके बाद सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, और उसके बाद हम लोग ये सब चर्चा किए थे कल। ठीक है, आज हम लोग अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सर जानेंगे कि सेट का टाइप कितना होता है, सेट कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं सर कि देखिए, सेट में जो नंबर का पोजीशन है, पहले लिख देता हूँ सेट थ्योरी। सेट फर्स्ट चैप्टर 11 का। देखिए सेट थ्योरी में या सेट, तो सेट में सर हमारा जो नंबर का पोजीशन है, हमारा जो एलिमेंट का पोजीशन है, उसका हमारे पास कोई रोल नहीं होता। कोई रोल नहीं होता सर जी, आप एलिमेंट को आगे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट को पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिखता हूं सर, कुछ बातें जाननी चाहिए आपको। नोट का फर्स्ट पॉइंट है ना कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज ए मैटर, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इन मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। जैसे मैंने आपका सेट बनाया, ये इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, पांच का सेट बनाया ना, ए ई आई ओ और यू। आप सेट में ए को आगे लिखिए, ओ को पीछे लिखिए, यू को आगे लिखिए, ई को पीछे लिखिए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका। और मैं आपको है ना, ये इज इक्वल टू ए आई यू ओ ई, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा जी। ए इज इक्वल टू ओ यू ई आई ए, कोई फर्क नहीं आपका। यानी कि सेट के अंदर आपका एलिमेंट कहां पर आता है, पहला में आता है कि तीसरा में आता है कि पांचवा में आता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपका, इससे कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, आपको ध्यान कर देना है कि इसमें जो जो एलिमेंट है, सौ सौ एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, ये अलग चीज हो गया। लेकिन एलिमेंट कहां पे है, इसका हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपको पहला बात था कि सर पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज ए मैटर, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, देखिए हमारे पास सेट का बहुत टाइप है, बहुत टाइप बोला जाए तो सर जितना ही पढ़िएगा पब्लिकेशन उतना आपको उसमें टाइप मिलता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि सर थ्योरी पोर्शन के लिए हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहला जो आपका सेट का टाइप है, ये आपको आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर इसको बोलिए नल सेट, या फिर इसका एक नाम और है और वो आपका है वाइट सेट। देखिए सर, कोई भी ब्रांच है चाहे कोई भी चीज है, एक बात याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा काम। अब यहां पे हमने जो पहला नाम लिखा, पहला हमने क्या लिखा, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वाइट सेट। एम्प्टी, एम्प्टी बोले तो क्या, खाली, यही ना एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं, जो खाली है, वही ना आपका एम्प्टी है। तो इसमें क्या बोलता है सर कि वैसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यही ना बात हुई। एम्प्टी सेट यानी खाली, जो कुछ भी नहीं उसके पास, यानी कि वैसा सेट जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी नहीं, बिल्कुल खाली है। तो वैसा जो सेट है उसी को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख दूं, तो डेफिनेशन क्या है कि दिस सेट विच नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, दिस सेट विच नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट known as
एम्प्टी सेट। अरे बात समझ में, जिसमें एक भी आपका हेलमेट नहीं है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। अगर उसमें आपका एक भी हेलमेट आ जाता है, एक भी, ठीक है, अगर उसमें आपका सिर्फ एक भी हेलमेट आ गया ना, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट बोले तो बिल्कुल खाली है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं, लेकिन करता हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल की बात करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर डिनोट करने का तरीका। तो एम्प्टी सेट आपका जो है ना, इसको डिनोट करने का हमारे पास एक अलग तरीका है, और वो तरीका आपका है, पहचानते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका है हाई। बहुत लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ये जो आपका हुआ गोल बना करके बीच में काट दीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। जहां भी आपको युक्ति सेट आएगा वो हम लोग क्या डिनोट करेंगे, फाई, या किताब में या कहीं पे सवाल बनाते समय जहां पे आपको फाई मिले सर, सिंपल मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, खाली है, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो सवाल आता है कि सर एक या दो एग्जाम्पल की बात हो जाए तो ज्यादा क्लियर भी हुआ। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि कुछ भी ले लीजिए ना एग्जाम्पल सर, दी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन वन। मैंने क्या लिखा, द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन वन, वन से छोटा नेचुरल नंबर, कोई बताइए अगर है तो। आपका कोई दिमाग में आता है कि सर वन से छोटा हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है तो बता सकते हैं, कोई भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोलते हैं किसको है, तो सर नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो कहां से स्टार्ट होता है, वन से, वन उसका अंतिम बाउंड्री है, वन टू थ्री फोर ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे की तो बात ही नहीं आती है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि वन से छोटा हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और यहाँ पे आपका जो सेट बनेगा ना सर, इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन वन, वन से छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास कोई नहीं है, यानी ये सर खाली हो गया, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, हाई, खाली हो गया है, ठीक है। और एक बात करूं मैं, सेकंड, सेकंड क्या बात करता हूं सर कि बी इक्वल टू सेवन एपीयर, हमने किसी डाइस को थ्रो किया, डाइस समझते हैं ना, डाइस बोला जाए हिंदी में तो पासा, पासा मतलब इसको लूडो, आजकल तो लॉकडाउन है तो घर घर लूडो का जमाना है, तो सर उसमें जो आपका आता है ना डाइस, जिसको हम लोग क्या उसको बोलते हैं भाषा में, पासा, जिसको हम लोग सर उछालते हैं, उछाले थे जो भी है, तो वहां पे आपका जो डाइस है, ठीक है, तो हमने डाइस को उछाला, फेंका, डाइस को छालने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, सेवन, पॉसिबल है क्या, सोचिए तो, डाइस को फेंकने के बाद सेवन का आना नहीं, डाइस को फेंकिएगा तो या तो वन आएगा, या तो टू आएगा, या तो थ्री आएगा, या तो फोर, या तो फाइव, या तो सिक्स, सेवन नहीं आ सकता, नहीं तो सेवन कैसे आएगा, क्योंकि यहां पे आपको छह कैसे, छह पे आपको छह लिखा हुआ है, कहीं पे आपको सेवन आने का चांस ही नहीं बनता है, यानी कि सर यहाँ पे आपका जो सेट है ये हमारे पास क्या है, खाली, बिल्कुल खाली है, यानी कि बी का बिल्कुल कितना हो जाएगा, तो बी आपका है एम्प्टी सेट। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं सर कि होल नंबर स्मॉलर देन जीरो, नेचुरल नंबर बिटवीन वन बाई टू एंड वन बाई थ्री, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी, तो सर जिसमें कोई भी आपको एलिमेंट लाई नहीं करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। अभी क्लियर है, चलिए आपको वीवीआई लिखा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका वीवीआई है टॉपिक, इसको लिखिए।
लोग इसमें दो बात और कर लेते हैं सर, और ये को बोलते हैं फाइनाइट सेट। हाँ, अगला टाइप में, और चलिए दो हम लोग इसमें और बांटते हैं। बांटने का दो तरीका हमारे पास है सर, एक को बोलेंगे फाइनाइट सेट और एक को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट या नॉन फाइनाइट सेट। इससे सेकंड में लिखता हूँ, चलिए सर लिखता हूँ नॉन देंगे। हम लोग सेट को बांटते हैं दो टाइप और में, एक को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट और एक को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट या नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या, सीमित। मैं आपको अगर हिंदी में समझाऊं सर, फाइनाइट मतलब सीमित, लिमिटेड। यानी कि कहने का मतलब है सर कि अगर हमारा जो सेट है, हमारा कोई भी सेट है, वो सेट में अगर आपको नंबर लिमिटेड है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट फिक्स है, या तो 500, 50, 150 जो भी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। वो लिमिटेड हो गया, वो सीमित हो गया। लेकिन वैसा सेट जिसमें आपको एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, जिसमें एलिमेंट आपको जहां मन वहां तक जा सकता है पूरा, उसका कोई हमारे पास बाउंड्री नहीं है, कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है, तो वैसा जो सेट है ना उसको बोलेंगे सर इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम बात करूं तो नंबर ग्रेटर देन 2, आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें 2 से आपको बड़ा नंबर लेना है। अब 2 से बड़ा चलते जाइए, 3 से आपका स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ेगा मुझे भी नहीं पता, वो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि जिसमें आपका एलिमेंट लिमिटेड है या जिसमें एलिमेंट फाइनाइट है उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, और जिसमें एलिमेंट आपका फाइनाइट नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहां तक फाइनाइट सेट क्या हो गया, तो दिस सेट व्हिच कंटेन, दिस सेट व्हिच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, द सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट। डेफिनेशन के लिए मेरे भाई आपको अपना आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं सर कि कोई किताब का डेफिनेशन है उसको रट लिए, ये बातें सही नहीं है। अपना मन में एक प्लेटफॉर्म, एक आइडिया डेवलप कीजिए और वहां से लिख दीजिए। ऐसा नहीं सर जी किताब वाला उसे पढ़ लेना जरूरी है। मैंने क्या बोला जी, दिस सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारा पास जो सेट है उसमें अगर आपको एलिमेंट लिमिटेड है तो उसे हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जांपल की बात की जाए, ए इक्वल टू मैं बनाता हूं भवेल, सेट ऑफ भवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का सेट बनाइए कोई, तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ और यू, हो गया ना 5। ए इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, ज्यादा आप नहीं लिख सकते। ज्यादा हम लोग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 5 ही वॉवेल है, ए ई आई ओ और यू, ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा जब नहीं है तो क्या लिखिएगा, यानी कि सर यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है ना ये हमारे पास लिमिटेड हो गया, फिक्स हो गया 5। और मैं आपको और बात कर लू एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड को भी ले लीजिए ना अपना मन से। मैं लेता हूं बी इक्वल टू नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 से छोटा नेचुरल नंबर, 10 से छोटा नेचुरल नंबर चुनिए कौन कौन हो जाएगा, बी इक्वल टू 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप और आगे नहीं जा सकते, फिक्स हो गया आपका। क्या आपका जो नेचुरल नंबर है ना सर वो कहां तक आपको जाना है, 10 तक, तो 1 से हमें कहां तक जानी है, 9 तक, ना तो इसके आगे ना तो इसके पीछे। यहां पे आपका जो सेट है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। आधे बात समझ में, हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं,
सेट हमारे पास है ना वो आपका है नॉन फाइनाइट सेट। अगला टाइप नॉन फाइनाइट सेट, तो इसका उल्टा जस्ट ये दिस सेट विच कॉन्टेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज नॉन फाइनाइट सेट। यही ना बात हुई, द सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे पास कोई सेट है जिसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, अनंत है, आपको नहीं पता कहां तक आपका एलिमेंट जाएगा, हमें नहीं पता, तो वहां पे आपका जो सेट है ना उससे कम क्या बोलेंगे नॉन फाइनाइट सेट। एग्जांपल की बात करूं सर, तो एग्जांपल पहला क्या मान लेता हूं, तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 2 3 ये इक्वल टू मान लीजिए ना फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर खोजिए, 5 से बड़ा 6 7 8 9 10 11 डॉट ये कहां तक जाएगा जी, क्या 105 से बड़ा नहीं है, है ना, ये आपको बढ़ते जाएगा 100 1000 5000 20000 1 लाख डॉट ये बढ़ता ही जाएगा। यानी कि सर अगर बात की जाए 5 से बड़ा नेचुरल नंबर की, तो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट हो गया। आपको मैं और देता हूं बी इक्वल टू, जैसे अगर बात की जाए तो रेशनल है, जैसे हम बात करते हैं तो नंबर नंबर में कुछ और लिख लीजिए ना सर, के क्या बोला जाए इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए, नेगेटिव इंटीजर्स अ स्मॉलर देन -3 -3 से छोटा अ स्मॉलेस्ट इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर सोचिए कौन कौन हो जाएगा, बी इक्वल टू -4 -5 -6 -7 डॉट बढ़ता जाएगा सर, -500 -20000 -30000 -40000 बढ़ते जाइए, जितना भी आपका एलिमेंट आएगा इसमें ना तो पूरा का पूरा -3 से क्या होगा छोटा होगा, और -3 से छोटा हमारे पास कितना नंबर है ये कोई नहीं जानता, लाख है 20 लाख है 50 लाख है करोड़ है कोई नहीं जानता, जहां तक आप लेते जाइएगा सर आपको मिलता जाएगा। पहली बात के लिए यानी कि अगर हमारे पास सेट है उसमें एलिमेंट लिमिटेड है, बंधा हुआ है, एक बाउंड्री में है लिमिटेड है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और वैसा सेट जिसमें एलिमेंट आपका अनंत है बहुत सारा है हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम लोग बोलेंगे नॉन फाइनाइट सेट। ठीक है चलिए इसको बताता हूं, इसके बाद अगला जो थ्योरी हमारे पास आता है सर वो आपका है इक्वल सेट, इक्वल सेट ठीक है बराबर इक्वल सेट, तो इक्वल मतलब क्या बराबर, और सर बराबरी के लिए दो का होना जरूरी है, हम लोग सर जी ये मानकर खुद खुद के बराबर है ये तो कहना थोड़ा अजीब ही लगता है, तो जनरली बराबर बराबर करने के लिए आपको दो का होना जरूरी है, हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे दोनों को तुलना करेंगे और फिर वहां से कोई रिजल्ट निकालेंगे सर ये बराबर है कि नहीं है, वहां से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो जब इक्वल सेट की बात आती है तो मैं दो सेट लेके चलता हूँ, ठीक है डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, टू सेट ए एंड
बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेनिंग, इफ दे कंटेनिंग एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा जी, हमारे पास टू सेट है और दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, कब बोलेंगे, यदि उसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये बात मैंने जो बोला वो थोड़ा सा इसमें अंदर एक बात और है, मैंने क्या बोला, हमारे पास टू सेट है ए और बी, टू सेट हो गया ना ए और बी, हम लोग टू सेट को इक्वल कब बोलेंगे, बराबर कब बोल रहे ना बोलेंगे, यदि उसके पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। एग्जैक्टली पे ध्यान दीजिए सर, केवल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना सही नहीं है, अगर इसमें पांच एलिमेंट है इसमें भी पांच एलिमेंट है तो इससे हम लोग सेम नहीं बोल सकते, सॉरी इक्वल नहीं बोल सकते। हमारे पास सेट ए है जिसमें अगर आपको पांच एलिमेंट है, हमारे पास सेट बी है जिसमें अगर आप जिसमें भी अगर आपको पांच एलिमेंट है ना, तो ऐसा नहीं जरूरी है कि दोनों बराबर हो, ये नहीं हो सकता। बराबर होने के लिए आपको दो बातें मिलानी है, पहला बात क्या मिलानी है तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं सीधा निचोड़ के आता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास टू सेट इक्वल है ए और बी इक्वल है तो यहाँ पे आपको दो बातें मिलानी है, पहला बात क्या मिलानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल, अगर आपको पहला में पांच एलिमेंट है तो सेकंड में भी आपको पांच एलिमेंट रहना चाहिए, और सेकंड जो जो एलिमेंट पहला में है वही वही एलिमेंट दूसरा में रहना, ये सबसे जरूरी है। नंबर्स का मिलना एलिमेंट का मिलना सेम नहीं है, मैंने दो कंडीशन बोला ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन क्या है, जितना एलिमेंट इसमें है उतना ही एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, और सेकंड कंडीशन जो जो एलिमेंट पहला सेट में है वही वही एलिमेंट सेकंड वाले सेट में रहना चाहिए, ठीक है सर। यानी कि हमें दो बातें मिलानी है जिसमें यहाँ पे है ना, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इक्वल सेट में जब मैं आपको हिंदी में देखूँ तो सर आपको दो बातें मिलानी है, और दो बात आपको मिलाना है, पहला बात क्या है तो सर दोनों में एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए, और सेकंड दोनों में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। दो बातों पर आपको ध्यान देनी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, पांच इसमें पांच उसमें, दस इसमें दस उसमें, और जो जो एलिमेंट हमारे पास पहला सेट में है वही वही एलिमेंट आपका सेकंड सेट में होगा। यानी कि सर देखिए अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, ए इक्वल टू मैंने मान लिया एक दो तीन चार पांच या कुछ और मान लो, ऐसा मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए ए आई ओ आर हो गया ना सर पांच एलिमेंट इसमें। एक और मैं कुछ सेट बनाता हूँ, बी इक्वल टू ए यू ओ आई हो गया, ये में भी हमारे पास कितना एलिमेंट है गिनिए, एलिमेंट बोले तो एक दो तीन चार पांच, बी में गिनिए तो एक दो तीन चार पांच, पहला केस फॉलो हो गया सर, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहना चाहिए। सेकंड केस क्या है, दोनों में एक ही एलिमेंट रहना चाहिए, जो एलिमेंट हमारा इसमें है ना वही एलिमेंट हमारा किसमें रहना चाहिए इसमें। यानी कि सर देखिए ए यहाँ पे आपका ये है, ये भी कितना है, ए ई ई खोजिए, ई ई ई ई मिला, आई खोजिए तो आई आई भी है, ओ खोजिए ओ भी मिला, यू खोजिए
यानी कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो गया और जो जो एलिमेंट आपका पहला में था वही वही एलिमेंट आपका दूसरा में भी है, यानी कि सर मेरा जो ए है ना वो किसके बराबर हो गया, ये इज इक्वल टू बी। जरा सोचिए, मैंने यहाँ पर एक सेट और बनाया और उस सेट मैंने बना दिया सर बी सी डी पी और आर, मैंने तो सेट बना दिया सी इज इक्वल टू, कंफ्यूजन कुछ आ सकता है ना सर, यहाँ पे वो कितना मांगू टी मान लेता हूँ। मैंने एक और सेट बनाया बी टी डी पी आर, इसमें भी एलिमेंट गिनिए कितना है, एक दो तीन चार पांच, इसमें भी आपका एलिमेंट कितना है, पांच ही है, एक दो तीन चार पांच, इसके जितना तो है हाँ, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका ई है, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे आपका डी है, आपको पांचों का पांचों एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर पांच में से हमारे पास चार भी मिलता है ना और एक नहीं मिलता है तो इक्वल नहीं माना जाएगा। इक्वल मानने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और सर उसके बाद जो जो एलिमेंट पहला में है वही वही एलिमेंट आपको सेकंड में रहना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास नहीं मिलता है ना तो आपको इक्वल नहीं माना जाएगा, ठीक है यहाँ तक। यानी कि सर मेरा जो ए है ना वो सी के बराबर नहीं है और ना ही मेरा जो बी है वो किसके बराबर है, सी के, ना ही मेरा ए बराबर है सी के और ना ही मेरा बी इक्वल टू है सी, ठीक है यहाँ तक आ रही बात समझ में। इक्वल से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट और आता है और उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। इक्वल सेट के जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे containing same number of elements। कुछ अंतर आपको पता लग रहा होगा। इक्वल के डेफिनेशन में सर मैंने लिखा था कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां पर मैंने जो एग्जैक्टली वर्ड था उसको मैंने खत्म कर दिया और बस क्या लिखा हूं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब है कि जितना एलिमेंट ए में है और उतना ही एलिमेंट बी में है, जितना एलिमेंट ए में है अगर उतना ही एलिमेंट बी में है तो वह हमारे पास इक्विवेलेंस हो जाएगा। यहां पर आपको एलिमेंट मिलाने की जरूरत नहीं है, इक्वल सेट में हमने एलिमेंट को मिलाया कि जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट आपको बी में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, आपका जो मेन फोकस है वो रहना चाहिए कि सर इसमें कितना एलिमेंट है और इसमें कितना एलिमेंट है। जैसे मैं बात करूँ, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, और मैं बी एक और मान लेता हूँ सर बी, क्या मानू मान लेता हूँ पी आर टी एम एन मान लेता हूँ, हो गया। ये हमारे पास कितना है ए ई आई ओ और यू, बी आपका कितना है पी आर टी एम और एन, एलिमेंट गिनिए तो एन ए, एन ए मतलब क्या होता है सर, एन ए का फुल फॉर्म होता है
नंबर ऑफ हेलमेट इन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनए का मतलब है नंबर ऑफ हेलमेट इन सेट है, सेट है। चलिए सेट ए में हमारे पास हेलमेट कितना हो गया, 5। सेट बी में हेलमेट नहीं है, तो सेट बी में हमारे पास कितना हेलमेट है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, बस काम हो गया मेरा। इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, क्या है आपको यही तक रहना ही है। अब एलिमेंट कौन कौन है इस पे आपको जाना ही नहीं है, एलिमेंट 5 है तो 5 ही रहेगा, बस यहाँ पे आपको फोकस करना है कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है, बात की बात है, ठीक है। यानी कि सर मेरा जो ये है ना वो किसके इक्विवेलेंस है, बी के, ये आपको साइन हो गया इक्विवेलेंस, यानी कि सर दैट इज मेरा जो सेट ए है ना वो किसके इक्विवेलेंस है, बी के। हाँ अगर आपने इससे पहले समझा तो ये बी के बराबर नहीं है, बराबर होने के लिए जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, लेकिन एलिमेंट आपका सेम नहीं है, ठीक है, एलिमेंट का नंबर सेम है। यानी कि हमारा जो सेट ए है ना, सेट ए है वो सर आपका सेट बी के बराबर नहीं है, लेकिन आपका जो सेट ए है वो सेट बी का इक्विवेलेंस है। अरे बस समझ में डिफरेंस क्या है, सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, हाँ लेकिन आपका जो सेट ए है ना वो सेट बी का इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो क्योंकि इक्वल होने के लिए आपको दो बातें चाहिए, एक बात आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट और एक आपको चाहिए एलिमेंट, जो इसमें है वही वही इसमें रहना चाहिए। यहाँ से आपको एक बात और निकलती है सर, और बात क्या निकलती है कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंस एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंस बट एवरी इक्विवेलेंस सेट मस्ट नॉट बी। यहां से एक बात हमने क्या निकाला सर कि जितना भी आपका इक्वल सेट है, इक्वल सेट इक्विवेलेंस होगा। मैं आपको सिंपल से बताऊं, अगर हमारे पास इक्वल सेट है तो इक्वल सेट इक्विवेलेंस होगा, लेकिन अगर टू सेट इक्विवेलेंस है तो ये हमारे पास जरूरी नहीं है इक्वल होगा। अगर मैं आपको और छोटा करूं, जो इक्वल है वह इक्विवेलेंस होगा तो होगा, जो इक्वल है वह इक्विवेलेंस होगा तो होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंस है वह इक्वल होगा इसका हमारे पास कोई चांस नहीं है। हमारे पास ऐसा कहना सही भी है और वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं सिंपल बताऊं तो जो इक्वल है वह इक्विवेलेंस होगा, और जो इक्विवेलेंस है वह इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद है आज का आपका जो वीडियो है, हमने टाइप ऑफ सेट की बात की, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, इस प्रकार, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भेन डायग्राम। तो आज मेरे इतना ही।